गोइंग टू स्टार्ट क्लास सिक्स मैथ्स चैप्टर नंबर फोर्टीन एज दिस this was लास्ट चैप्टर जैसा मैंने आपको बोला था tha परसेंट कोर्स हम डिटेक्ट करेंगे है ना तो उसके बाद ये लास्ट चैप्टर है आपका जिसका नेम है पैरिमीटर एंड एरिया तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक्स सीखते हैं तो बेसिक्स में सबसे पहले फिगर्स का नॉलेज होना चाहिए आपको है ना फिगर्स देख लेते हैं कोई एक ऐसा फिगर जिसकी लेंथ और ब्रैथ सेम हो, है ना? लेंथ अब किसको बोलते हैं लंबाई ये लेंथ है ये भी लेंथ है ये ब्रैथ है और ये भी ब्रैथ है ब्रैथ का मतलब होता है चौड़ाई है ना लेंथ और ब्रैथ बी आर ई -E ए डी टी एच लेंथ मीन्स लंबाई ब्रैथ मतलब चौड़ाई अब देखो ये कौन सा फिगर है जिसकी लेंथ और ब्रैथ सेम होती है दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल आर ई सी टी एन जी एल ई रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होती है है ना एक फिगर और है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जिसका नेम है स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर में ये साइड्स हैं ये भी साइड है ये भी साइड है, है, है और ये भी साइड है तो स्क्वायर में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल दोनों में डिफरेंस क्या है रेक्टेंगल में लेंथ दोनों लेंथ इक्वल होती है दोनों ब्रेड इक्वल होती है और स्क्वायर में अपोजिट साइड हमेशा से इक्वल होती है ठीक है ये तो हो गया फिगर अब फिगर के बाद एक कंडीशंस आते हैं पेरीमीटर पेरीमीटर हर फिगर का अलग फार्मूला है है ना मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा लेकिन फार्मूला अगर आपको याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या करोगे पैरीमीटर का सिंपल सा फॉर्मूला ये है पैरीमीटर कहीं भी आए आपको याद रखना है कि सम ऑफ ऑल साइड्स कोई भी फिगर हो कोई भी फिगर मतलब कर्व सरफेस को छोड़ के स्ट्रेट लाइन से बने कोई भी फिगर हो उनकी साइड्स को आप ऐड कर दोगे वो आपका पैरीमीटर हो जाएगा पैरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स एक और कंडीशन है एक फॉर्मूला है पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा है ना सम ऑफ ऑल साइड्स होता है कोई दिक्कत नहीं है पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है फोर मल्टीप्लाई बाय साइड्स अब फोर मल्टीप्लाई बाय साइड्स क्यों हुआ ये देखो चारों साइड्स इक्वल है तो फोर का मल्टीप्लाई कर दो चार से इक्वल हो जाएगा फोर साइड्स इक्वल फार्मूला है पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फोर मल्टीप्लाई बाय साइड्स एक और फिगर जो ऊपर बनाया था मैंने रेक्टेंगल तो इसका फार्मूला देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रैक्टेंगल पैरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ कन्फ्यूज हो गए कन्फ्यूजन लेकिन आने वाले क्लासेज में यही फॉर्मुले से आपको पढ़ने हैं देखो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड मतलब लेंथ और ब्रेड ब्रेथ को ऐड कर लो मल्टीप्लाई बाय टू कर दो वो पैरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल हो जाएगा क्योंकि देखो दो लेंथ है और दो ब्रैड है ये देखो दो लेंथ है और दो ब्रैड है मल्टीप्लाई करके प्लस करना है ठीक है क्लियर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रैड फॉर्मूला है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है फोर मल्टीप्लाई बाय साइड्स अब एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं बेसिक्स का देखो मैंने आपसे बोला एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है फोर सेंटीमीटर और ब्रेड है थ्री सेंटीमीटर तो आपको निकालना है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला टू एल प्लस बी यही है अब फॉर्मूला में फिट कर लो टू लेंथ कितनी है फोर प्लस ब्रैथ कितनी है थ्री पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हमेशा ब्रैकेट सॉल्व कर लो फोर प्लस थ्री सेवन ब्रैकेट में टू यहाँ है ब्रैकेट्स के बाद पहले कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन होता है मल्टीप्लाई तो कितना हो गया टू मल्टीप्लाई बाय सेवन दैट इज़ फोरटीन सेंटीमीटर आपका क्या आ गया पैरीमीटर अब फोर्टीन ही कैसे आया देखो अब एग्जाम्पल लेंथ कितनी है फोर ब्रैथ है थ्री ये देखो लेंथ है फोर अगर मैं यहाँ फोर लिख देता हूँ थ फोर हो गई और ब्रेथ थ्री हो गई यहाँ पे मैंने लिखा था पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स तो चारों साइड्स को प्लस कर लो फोर प्लस थ्री सेवन प्लस फोर इलेवन एंड थ्री फोर्टीन एक्यूरेट फोरटीन यहाँ भी फोरटीन वही आंसर आया एक स्क्वायर का एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको निकालना है पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर है ना जिसमें एक साइड गिवन है फोर सेंटीमीटर तो पैरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला फोर मल्टीप्लाई बाय साइड्स तो फोर मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी है फोर तो कितना हो गया सिक्सटीन सेंटीमीटर क्लियर ये एग्जांपल्स है ओके तो बेसिक्स में सिर्फ इतना ही नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ओके थैंक यू